सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मैं आज दो सैमसंग फोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आया गया हूँ, जिसमें बताना चाहूंगा सैमसंग गैलेक्सी A30 और दूसरा हमारा अभी अभी लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी A30s, जो एक अपग्रेड वर्जन है A30 का। तो आज हम बात करेंगे इस दोनों ही फोन के बारे में, कौन कौन से आपको अपग्रेड इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले। सैमसंग गैलेक्सी A30 में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.4 इंचेस की, फुल एच डी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको यू वाली शेप वाली नॉच आपको देखने को मिल जाती है, और 19:59 एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको फ्रंट में मिल जाती है, पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि प्लास्टिक यूनिवर्सल डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है। ग्लॉसी फिनिश डिजाइन है, ग्लास फिनिश डिजाइन है, आपको अच्छी लुकआउट तो आपको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी A30s में आपको जो अपग्रेड मिलता है उसमें कुछ भी अपग्रेड नहीं है, डाउनग्रेड थोड़ा गया गया। इसमें आपको 6.4 इंचेस की आपको डिस्प्ले तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको HD प्लस रिजोल्यूशन मिल जाता है, और इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को वैसे ही मिल जाती है। और बताता चाहूंगा इसमें भी आपको इन्फिनिटी वी शेप वाली नॉच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको थोड़ी सी ड्यू ड्रॉप नॉच वाली स्टाइल डिस्प्ले मिल जाती है। तो आपको डिस्प्ले के मामले थोड़ा सा डाउनग्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। HD प्लस रिजोल्यूशन है, फुल HD प्लस से लेकर आपको HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले के मामले आपको सैमसंग गैलेक्सी A30 जो पुराना वाला था वो बहुत ही बेटर है। यहाँ पे बात करें सैमसंग गैलेक्सी A30s में तो थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया है डिस्प्ले के मामले में। अब बात आती है दोनों फोन के चिपसेट की, तो बता देगा इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलता। इसमें आपको जो A30 में आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वही सेम चिपसेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक्सिनोस का 7904 देखने को मिल जाता है, जो एक 14 NM बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करता है। ऑक्टाकोर पावर है, 1.8 GHz पे आपको क्लॉक मिलता है, और बता देगा मालिका G71 का आपको MP2 का आपको GPU देखने को मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस और गेमिंग आपको इक्वली एक, यानी कि बहुत बराबर से नॉर्मली आपको देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छे खासे गेम खेल भी सकते हो, ज्यादा फर्क आपको दोनों फोन में देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, बता देगा सैमसंग गैलेक्सी A30 में आपको सिंगल वेरिएंट मिल जाता है, जो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको एक सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन है, आपको 512GB तक का आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता था, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी A30s में आपको एक अपग्रेड मिलता है, इसमें आपको 4GB 64 तो वैसे ही मिलता है, लेकिन इसमें 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है अलग से। और दूसरी बात करें इसमें जो सेम डेडिकेटेड स्लॉट है वो तो मिलता ही है, इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आपको एक अलग से वेरिएंट आपको सैमसंग गैलेक्सी A30s में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की कैमरा की, बता दूंगा सैमसंग गैलेक्सी A30 में आपको मिलता है ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन 16+5 MP का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसमें जो प्राइमरी लेंस है वो F1.7 का इसमें एपिचर देखने को मिल जाता है, जो सेकेंडरी कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड लेंस है F2.2 का इसमें एपिचर देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मेजर अपग्रेड मिल जाता है, क्योंकि इसमें सैमसंग गैलेक्सी A30s में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी लेंस है वो 25 MP का है, जिसमें F1.7 का इसमें एपिचर देखने को मिल जाता है, और 8 MP का F2.2 का इसमें एपिचर देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा जो कैमरा 5 MP का है, जो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, F2.2 का इसमें एपिचर देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आपको कैमरा के मामले में थोड़ा सा मेजर इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ड्यूल रियर कैमरा के सेटअप से लेके आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में सैमसंग गैलेक्सी A30s बेटर रहेगा यहाँ पे। अब बात आती है दोनों फोन की सेल्फी कैमरा की, तो बताऊंगा दोनों में आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है, 16 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, F2.0 का इसमें एपिचर देखने को मिल जाता है, 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यानी पर आपको सेल्फी में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों फोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बता देगा दोनों में आपको कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इसमें आपको 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है दोनों ही स्मार्टफोन में, और दोनों में आपको 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है। और बता देगा सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों में आपको एंड्रॉइड 9.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, सैमसंग गैलेक्सी A30 में आपको सैमसंग वन UI आपको देखने को मिल जाता है, जिसका वर्जन 1.0 था, लेकिन यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी A30s में आपको मिलता है सैमसंग का वन UI 1.5 का वर्जन देखने को मिल जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर में
थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। इसमें भी आपको जो नॉर्मल सेंसर जो कनेक्टिविटी मिलती है वो तो सभी मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर माउंटेड इस बार देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, ट्रिपल स्लॉट है, 3.5 mAh जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तेज था कनेक्टिविटी सेंसर की बात, तो इसमें भी आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है इसकी प्राइस की, तो बताएंगे सैमसंग गैलेक्सी A30 की जो प्राइस अभी फिलहाल जो है फ्लिपकार्ट पे, तो इसकी प्राइस रखी गई 15,490 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे अभी अवेलेबल है। और बता देगा सैमसंग गैलेक्सी A13s की बात करें तो इसमें बता देगा 17,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। तो प्राइस की बात करें तो इसमें 1500 रुपए की प्राइस का फर्क देखने को मिल जाता है, तो ये प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है सैमसंग गैलेक्सी A13s में। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले में थोड़ा सा रिजोल्यूशन कम कर दिया है। इसमें आपको फुल एचडी प्लस से लेकर आपको एचडी प्लस रिजोल्यूशन दे दिया गया इसमें। और बताया जाएगा थोड़ा सा अपग्रेड की बात करें तो इसमें आपको सेम ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप था, तो वो आपको प्लस करके आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ी बहुत अच्छी बात है। तो कैमरा के आपको कैमरा अच्छा लगता है तो आप कैमरा के लिए आप सैमसंग का फोन ले सकते हो। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप चाहिए 17,000 की प्राइस में तो आप ले सकते हो। लेकिन और भी कई सारे ऑप्शन है जो आपको सैमसंग के नहीं, लेकिन आपको इन इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। जो रियलमी का एक्स है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि 17,000 की प्राइस में भी आपको फोन पड़ता है। इसमें भी आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, प्रोसेसर भी इसका बहुत अच्छा, तो वो भी फोन आप ले सकते हो। मैं इतना रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी A30 या A13s ले, लेकिन आपको सैमसंग के लवर्स है, आपको सैमसंग के फोन अच्छे लगते हैं, तो आप सैमसंग गैलेक्सी A13s ले सकते हो। तो अगर और भी ऑप्शन है सैमसंग गैलेक्सी A50 और A50s, वो भी अच्छा ऑप्शन आप ले सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, सैमसंग गैलेक्सी A30 या सैमसंग गैलेक्सी A13s, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।